प्रतिज्ञा की स्थिति में प्रतिज्ञा शुरू करेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जाति संप्रदाय क्षेत्र धर्म अथवा भाषा भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करूँगा। सद्भावना दिवस के लिए थी आज ये आपकी जो प्रतिज्ञा थी। आज 20 अगस्त को होता है सद्भावना दिवस, लेकिन 20 को छुट्टी है, संडे है, इसलिए आज मनाया शपथ दिलाई गई है। और सद्भावना दिवस का उद्देश्य यही है कि आप सबके साथ हिलमिल के रहें, जाति धर्म का भेदभाव ना करें, ठीक है, कोई ना करे, करना भी नहीं चाहिए, सब आपस में मिलके रहें, काम करें, ठीक है। रेड क्रॉस में आप पंजीकरण कराना है आप लोगों का, सभी लोगों को, तो मेरे पास जिसको भी कराना है मेरे पास आएगा, ठीक है। मैं अभी एक पेज दूंगा, उस पर अपना नाम, पिता का नाम, कक्षा और साइन कर देना, ठीक है। तो मैं अभी लेके आऊँ। आपको पता है यूथ रेड क्रॉस सोसाइटी है, रेड क्रॉस पता है क्या है? रेड क्रॉस का नाम सुना है? रेड क्रॉस का निशान देखा है, चिन्ह देखा है, कैसा होता है, देखा है किसी ने? देखा तो है, कहाँ देखा है बताइए। कोई बात नहीं, गलत होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, बताइए। आपने फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम सुना है? सुना है कि नहीं? कौन थी जिन्होंने इसका, जो बीमार लोग होते थे उनकी सेवा करती थी, आपातकाल में या जो कोई वो होता था, कोई दिक्कत आती थी, कोई विद्या आती थी, तो उसमें वो कैंपों में जाकर लोगों की सेवा करती थी, ठीक है। तो उसी से ये यूथ रेड क्रॉस सोसाइटी बनी है, और उसमें आपसे भी ये उम्मीद की जाती है कि आप भी कोशिश करेंगे कि जहाँ भी ज़रूरत हो आप तो लोगों की मदद करें, ठीक है, आपातकाल में लोगों की मदद करें। और उसमें एक यहाँ पर हम आपसे उसकी फीस भी ले रहे हैं, और ये सरकार की तरफ से अनिवार्य है, ठीक है, ज़रूरी है, ठीक। और उसमें आपको पंजीकरण कराना है, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी उसमें, ठीक है। जितने ज़्यादा बच्चे उसमें पंजीकरण कराएंगे उतना अच्छा होगा, और जितने ज़्यादा, अगर 100 से ज़्यादा पंजीकरण हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको, ठीक है, वो ट्रेनिंग आपके बहुत काम है, ठीक है, कहीं पर भी बहुत काम है। ये तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, तो इसमें पंजीकरण कराना, अपना रजिस्ट्रेशन कराना, ठीक है। और लड़के भी, ठीक है, ये नहीं कि खाली लड़कियों के लिए कहा जा रहा है, आप लोगों के लिए भी कहा जा रहा है, इसमें दोनों को कराना है, ठीक। और दूसरी चीज़ जो मुझे कहनी है वो ये है कि मुझे कुछ बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं दिख रहे हैं, तो कब तक बन जाएगी आप लोगों की यूनिफॉर्म?